उन्होंने कहा है कि 5 लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। 5 लोगों के उन्होंने नाम बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीरे दाखला पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के हवाले से, जो इस वक्त थाना अपारा पुलिस की कस्टडी में है। क्योंकि शेख रशीद अहमद को थाना अपारा में नहीं रखा गया, इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था, लेकिन उससे कबल शेख रशीद अहमद के ऊपर मज़ीद 3 मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। 1 मुकदमा थाना मरी में दर्ज किया गया है, 1 मुकदमा कराची में दर्ज किया गया और 1 मुकदमा क्वेटा में दर्ज किया गया है। आप देख लें कि पीडीएम एक तरफ अवाम को रिलीफ तो नहीं दे पा रही, लेकिन जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनके ऊपर मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। इससे कबल फवाद चौधरी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, शहबाज गिल आपके सामने है, फिर शानदाना गुलजार उसके ऊपर भी मुकदमा गद्दारी का दर्ज हो गया। क्योंकि समझ नहीं आ रही कि गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले क्या हकूमत है या हमारे इदारे हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ग्राफ ऊपर जा रहा है रैंकिंग के हवाले से, इमरान खान का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो यूथ है उनके दिलों में इमरान खान का बसेरा है। हर यूथ जो भी है, कि कोई भी टीनेजर है, वो इमरान खान को बहुत पसंद करता है। इमरान खान ने हकूमत यानी कि पीडीएम को आड़े हाथों लिया। आपको मालूम है कि पंजाब में जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे, उनके घर पर भी पुलिस का छापा मारा गया था। लेकिन बात कर रहे थे शेख रशीद अहमद की, क्योंकि अब यहाँ पे जो टिकटों की बंदरबांट हो रही है वो इस बात के ऊपर हो रही है जो सियासतदान है कि भई आप किसी भी मुखालिफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा। नून का टिकट चाहिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट चाहिए? क्योंकि गद्दारी के सर्टिफिकेट अब पुलिस देगी या पीडीएम देगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। शेख रशीद अहमद के ऊपर जो मुकदमा था थाना अपारा में दर्ज हुआ। राजा अनायतुररहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर हैं। राजा अनायतुररहमान के ऊपर, क्योंकि मलपुर के ये रिहायशी हैं, बरीमाम के करीब है मलपुर, राजा अनायतुररहमान काम क्या करते हैं, सीडीए में कौन कौन से खांचे लगाते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि राजा अनायतुररहमान बुनियादी तौर पर वो कॉन्ट्रैक्टर हैं या डीलर हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले बात करें शेख रशीद अहमद की, क्योंकि आज इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा। कल पुलिस शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद की वकामी अदालत में पेश करेगी। आज की अगर हम बात करते हैं तो शेख राशिद शफीक, शेख सदीक जो शेख रशीद के भाई हैं और दीगर जो उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत से एक हुक्मनामा लिया था। पुलिस को यह हिदायत की गई थी कि शेख रशीद अहमद की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन शेख रशीद अहमद की जब मुलाकात के लिए थाना अपारा में उनके वकील इंतज़ार पंजोता, शेख सदीक, शेख राशिद शफीक ये लोग पहुंचे, तो पहले तो एसएचओ ने 4 घंटे इनको इंतज़ार करवाया। 4 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद जब एसएचओ थाना अपारा पहुंचे तो सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात की, और उनको ये कहा गया कि वक्त और जगह का तायुन पुलिस करेगी। अभी ऊपर से हुक्म नहीं मिला कि इनकी मुलाकात करवानी है या नहीं, लेकिन जब वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता ने यह कहा कि हमारे पास अदालती हुक्मनामा है, तो उसके ऊपर एसएचओ ने कहा 1 घंटे का हमें वक्त दें, हम आपको बताएंगे। बाद शेख राशिद शफीक थाना सेक्रेटेरिएट पहुंचे, वहां पे वकला भी पहुंचे, शेख रशीद के साथ मुलाकात करवाएगी। सिर्फ चंद मिनट की वो मुलाकात थी, और इस मुल्क का साबिक वज़ीर दाखला जिसने रावलपिंडी में स्पेशली ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बनवाए, यूनिवर्सिटी भी बनवा ली, लेकिन अब उसको टारगेट किया जा रहा है। शेख रशीद अहमद से जब मुलाकात उनके वकला की हुई तो शेख रशीद अहमद ने एक इंकशाफ किया कि कराची में ले जाकर उसको मार दिया जाएगा। इस हवाले से शेख रशीद ने जो नाम लिए हैं उनके वकील की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। ये जो उनके लायर हैं वो थाना सेक्रेटेरिएट में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आपको वो सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नईम हैदर, फिनिक्स एडवोकेट। थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब से थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर मुलाकात हुई थी। शेख रशीद साहब ने कुछ बातें जो मीडिया को बताने के लिए कही हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि कराची पुलिस जो है मुझे कराची लेकर जाना चाहती है, और कराची पुलिस इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि 5 लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। 5 लोगों के उन्होंने नाम बताएं,
और उन पांच लोगों के नाम मैं मीडिया के ऊपर बताना चाहता हूँ। एक का नाम उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और राणा सनाउला। पांच लोग जो है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी FIR इन पांच लोगों पे दर्ज की जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो FIR पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ऊपर हो रही हैं, वो उनके पीछे मीडिया को बताएं कि सेम वही प्लानिंग वाली टीम है और उसी मंसूबे के तहत जैसा केस से पहले आज़म सवाती जो है उनके ऊपर FIR की गई, सेम वही प्लानर है पीछे जो मेरी FIR करवा रहे हैं और ये मुझे मारना चाहते हैं। उसके अलावा जी, तो नाज़रीन ये आपने वकील की गुफ्तगू सुनी। ये पंजोता, इंतज़ार पंजोता के छोटे भाई हैं, ये भी शेख रशीद का केस देख रहे हैं। लेकिन अब शेख रशीद को कल जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत पेश किया जाएगा, तो आज मरी पुलिस, जो मरी थाना मरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियाँ और दीगर दफात लगाई गई हैं, ये मुकदमे की कापी आप देख रहे हैं। अब इसमें जो थाना मरी की पुलिस है, उन्होंने भी थाना अपारा पुलिस से रब्ता किया है। ये मुकदमा नंबर 47/23 है। 506 Zeman 2 असले की नोक पर धमकियां देना, 353-186 ये कार्य सरकार में मुदाखलत होती है। इसमें जो मतन है मुकदमे का, उसमें यह कहा जा रहा है कि बैरिया गॉफ सिटी हाउस नंबर फलां त्रेट सईदा थाना मरी चौकी त्रेट रावलपिंडी 1:45 रात के, भाई वो इन्होंने अपना बताया कि वहाँ पे गए तो शेख रशीद अहमद ने मुजामत की। ये एक मुकदमा थाना मरी में दर्ज है। इस तरह एक और मुकदमे की कापी आप ये देख रहे होंगे, ये मुकदमा थाना कराची में दर्ज है। जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, खुदा बख्श नामी एक मुदई ने जमा करवाया है, ये मुकदमा दर्ज करवाया है। और इसमें भी आज जो सिंध पुलिस थी, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया है। अब कल अगर शेख रशीद अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है, तो उसके बाद मरी पुलिस और सिंध पुलिस अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी कि ये मुलजिम हमें मतलूब है, यानी कि साबिक वज़ीर दाखला उनको मतलूब है, उनको उनके हवाले किया जाए। उसके बाद अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी। और कल यही इतला मौसूल हो रही है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेख रशीद के लिए जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था कि उनकी फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, वॉइस मैचिंग करवानी है, वो हो चुकी है। कल शेख रशीद अहमद को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा जाएगा और उसके बाद शेख रशीद अहमद को या तो सिंध पुलिस अपने साथ ले जाएगी या मरी पुलिस अपने साथ ले जाएगी। लेकिन आपको एक बात और भी बता दें कि अब PDM ने एक और ड्रामा खेलना शुरू कर दिया है। जितने भी उनके साबिक या आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप सियासी हरीफों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाएं। जो भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएगा उसको उसी वक्त टिकट अनायत किया जाएगा। अब सियासत किस नहज पे पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब पेट्रोल आप देख लें, रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी बढ़ चुकी हैं, महंगाई का तूफान बरपा है। लेकिन PDM और हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देने के बजाय मुकदमात खेल रही है। अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि लगता इसी तरह है, खुदा ना करे अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। लेकिन आपको दूसरी जानिब ये भी बात बता दें कि जैसे जैसे मुकदमात के इंदराज हो रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान के चर्चों का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।